समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर मैं मौजूद हूं। यहां पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अभी तक पहुंचे नहीं हैं, उनके पहुंचने का इंतजार हो रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि लखनऊ में आज मौसम बड़ा खराब चल रहा है, सुबह से बूंदाबांदी हुई है, इस वजह से भी ऐसा लगता है कि चंद्रबाबू नायडू के आने में भी थोड़ी देरी हो सकती है। और लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार चंद्रबाबू नायडू अमौसी एयरपोर्ट से उतरकर सीधे समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय आएंगे। यहां पर उनकी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ मुलाकात होनी है। और ये मुलाकात इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि फेडरल फ्रंट को बनाने की जो कवायद चल रही थी उसमें पिछले दिसंबर में 10 दिसंबर को दिल्ली में जो बैठक हुई थी उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने शिरकत नहीं की थी। अब ये रुकी हुई गाड़ी दोबारा पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है। इसमें कोलकाता में ममता बनर्जी की रैली के दौरान चंद्रबाबू नायडू और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई थी, उस बातचीत को अब और आगे बढ़ाने के लिए चंद्रबाबू नायडू आज यहां आ रहे हैं, उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात होनी तय है। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सभी बड़े शीर्ष नेता मौजूद हैं, दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की नेत्री मायावती भी अपने घर पर मौजूद हैं। तो मुमकिन है कि चंद्रबाबू नायडू से अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद में दूसरा दौर मायावती के साथ बातचीत का भी हो। जी आशुतोष।